नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, सोयाबीन किसान भाइयों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि अभी सरकार ने ऐलान किया है कि कर्नाटक और एक राज्य और के साथ में मध्य प्रदेश में भी अब सोयाबीन की सरकारी खरीदी या समर्थन मूल्य पर खरीदी हो सकती है। ऐसे संकेत दिए हैं, उन्होंने तैयारियाँ चालू कर दी हैं, ऐसा आश्वासन भी दिया है। पर इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि सोयाबीन का अभी समर्थन मूल्य 4892 रुपए है, इस पर हमें खुश नहीं होना है। इसे कम से कम 6000 रुपए कैसे किया जाए, कैसे कराया जाए, वो एकता दिखाकर हमें 6000 रुपए जरूर करवाना है, क्योंकि सरकार जो है किसानों की एकता देखकर थोड़ी सी झुकी जरूर है, पर उसे हमें अपनी पूरी मांगे मनवाने के लिए अभी और एकता दिखानी बाकी है, और उसके लिए हमें भरचक प्रयास करने हैं। कभी भी हमें इस बात में ढील नहीं देनी है कि सरकार खरीदी कर रही है तो हम अपने जो एकता है उसे खंडित कर दें और चुपचाप बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें एकता दिखानी है और आगे जाकर सोयाबीन की खरीदी अगर होती है तो 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें सोयाबीन का दाम मिलना चाहिए, ऐसी एकता हमें आगे दिखानी है। तो क्या कहा जो है शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य कृषि मंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में या सोयाबीन खरीदी के बारे में क्या कहा है वो आप पूरा सुनिए, और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगा घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आप तक ऐसी जानकारियां जल्दी से जल्दी पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि किसान भाई जागरूक हो सके और अपनी एकता का परिचय दे सके। तो आइए सुनते हैं कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन किसानों का खरीदेंगे, किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना ये मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है और उसके लिए योजना है। महाराष्ट्र कर्नाटक जैसे तीन राज्यों ने सोयाबीन खरीदी की मांग की थी और उनको पीएसएस योजना के तहत सोयाबीन खरीदी की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश की सरकार के हम संपर्क में हैं, अभी सोयाबीन की फसल आने में थोड़ी देर है। मध्य प्रदेश सरकार दो योजनाएं हैं हमारी खरीदी की, उनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की तैयारी करेगी, हम तत्काल अनुमति देंगे। तो किसान साथियों, सुन लिया आपने, इस प्रकार से घोषणा हुई है, पर इस घोषणा पर हमें ज़्यादा खुश नहीं होना है। अभी हमें आगे और भी संघर्ष करना है, एकता का परिचय देना है ताकि खरीदी निश्चित हो सके और वो हम जो मांग कर रहे हैं 7000, 8000 या 6000 कम से कम तो होना ही चाहिए सोयाबीन का प्राइस, उस पर खरीदी होनी चाहिए या बाज़ार में भी 6000 से कम सोयाबीन नहीं बिकना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमें एकता का परिचय देना है। तो किसान साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखा हो तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।